यह है तड़वा वीर बाबा मंदिर, जो कि पड़ाव पर है वाराणसी के एकदम निकट में। और यहाँ पे ऊपर भी गंगा का जो जल स्तर है कुछ इंची से रह गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकेंगे कि पानी रोड पे आ जाएगा, और जिसके वजह से और भी जल जीवन बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनको दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना मान्यता प्राप्त है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं, घंटे लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा फूल चढ़ाने के लिए आते हैं इस क्षेत्र में। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं कशिकम, आप देख रहे हो निगम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अभी मदन मोहन मालवीय पुल पर, और पुल से मैं यहाँ पर आया था देखने की कैसा यहाँ पे नजारे हैं। तो बाहर से देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भर गया है। बहुत मोहन मालवीय पुल, और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये पानी टंकी अभी नया ही बना था, और उसके आसपास देख सकते हैं पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है पूरी तरीके से। अभी हम वाराणसी सिटी की ओर पहुँच रहे हैं, तो आगे भी आपको दिखाते हैं बताते हैं। सेकंड साइड में तो अभी ये पड़ाव अड़ता है, यहाँ पर अभी पानी नहीं है पास में, बट दूसरे इलाकों में है, तो आगे भी बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। आज सुबह से ही यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है, क्योंकि योगी जी आने वाले हैं और यहाँ के निरीक्षण करेंगे कि कैसे है बाढ़ के हालात, और कुछ राहत के लिए भी सामग्री देंगे, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आज ट्रैफिक है, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और ज़रूरी काम होने की वजह से हमें जाना भी है, और बाढ़ भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही पूरा का पूरा इलाका ही डूब चुका है। बट अभी पुल के उस साइड बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लंबी ट्रैफिक है। और ये है गोदलिया का पार्किंग स्थल। यहाँ पे अपनी बाइक लगाने के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखते हैं पूरे तरीके से यहाँ का रोड जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये पूरी तरीके से लंदन स्ट्रीट की तरह हो गया है, और यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा ही अच्छा ही स्वरूप है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं यहाँ पर, यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है। ये सामने ही जाता है जो रास्ता, वो जाता है घाट की ओर, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, यहीं से सब होके जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी व्हीकल तो अलाउड नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग व्हीकल लेके ही जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड पे कितना ज़्यादा ही लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशानियों के साथ ही पहुँच पाते हैं। देख सकते हैं आपके एक एक कदम चलने के लिए हमें कितना ज़्यादा लोगों को पास करना पड़ता है, और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं फिर घाट पर, और बहुत अच्छा आनंद मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारी सामान है, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो कि वाराणसी से रिलेटेड है। तो हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे, और घाट पे आप देख सकते हैं कि पूरा पूरी सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं, और ऊपर जाकर ही देख सकते हैं, बट ऊपर नहीं जाएंगे अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप नाव ही है बस, जो कि एकदम साइड में लगी है, क्योंकि यहाँ पे नाव चलाना अभी आइए आइए इधर इधर आइए बदौलिया में कुछ समझ में नहीं आया तो मैं यही ले लिया, और इसी से आनंद लेता हुआ घर जाऊँगा। ये पार्किंग स्थल है जहाँ से अपनी बाइक लेने जा रहा है, और बाइक लेकर आएगा तो चलेंगे आगे की ओर। ये नज़ारे देख के तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो इतने सारे लोग एक साथ इतने इस जगह पर हैं। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे योगी जी आए थे और ये पूरा तरीके से रास्ता बंद था, इसलिए वजह से इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। मैं भी आके यहाँ पर फंस गया, और मुझे बस इसको पार करने में 3 घंटे लग गए, जो कि बहुत ज़्यादा ही इरीटेटिंग रहा। थक गया मैं, इसके वजह से भी आगे वीडियोस में नहीं दे पाया, बट आपके लिए और भी आगे वीडियोस क्रिएट करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। बस इस वीडियो को आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप पॉजिटिव रिव्यू दीजिए, मतलब कि कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए इसको। बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। ये मदन मोहन मालवीय पुल के नीचे अभी भी जो पानी है वो कम नहीं हो रहा है, थोड़ा स्थिर हो गया है बट कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है फिर भी। और सेकंड साइड में कल ही हम आए थे और कल ही वीडियो क्रिएट किए थे, और कल से आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही हो गया है,
क्योंकि रफ्तार इसकी कम नहीं हो रही है और ये पूरा गांव एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ लगा। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है।